एडमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनआईटी में एमएससी में एडमिशन कैसे होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होती है, एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये वेबसाइट है ccmn.in, ये वास्तव में काउंसलिंग करवाती है। इस बार इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है एनआईटी राउरकेला, और इससे आपको इन सब एनआईटीज में जो भी यहाँ आपको लिस्ट दिख रही है, एनआईटी अगरतला, एनआईटी इलाहाबाद, अरुणाचल प्रदेश, कालीकट, जालंधर, जो भी यहाँ दिख रहा है, और कुछ और भी कॉलेज दिख रहा हो आपको, IIST शिवपुर और SLIET संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब, इन सारे कॉलेजेस में एमएससी में एडमिशन के लिए आपको यहाँ से काउंसलिंग करवाना पड़ता है। अब सवाल यह है कि काउंसलिंग केवल से होता है? नहीं, आपको जैम का एग्जाम देना पड़ता है। एक एग्जाम होता है जो IIT कंडक्ट करवाती है, IIT खुद अपने अंदर एमएससी में एडमिशन के लिए कंडक्ट करवाती है, उस एग्जाम का नाम है जैम। ये देखिए, जैम 2019 का ये ऑफिशियल साइट है जिसको इस बार IIT खड़गपुर ने ऑर्गेनाइज करवाया है। इससे IIT में एडमिशन होते हैं, जिस IIT में एमएससी के ऑप्शन होते हैं, और IISc में एमएससी प्लस PhD इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन होते हैं, कुछ IIT में इंटीग्रेटेड भी हैं। तो इससे ओवरऑल MSc या फिर इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशन होते हैं। जैम अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि जिसने फिजिक्स से BSc कर रखा है वो PH का जैम PH देंगे, जो केमिस्ट्री से कर रखे हैं वो जैम CY देंगे। यहाँ मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको, बायोलॉजिकल साइंस होता है BL, मैथमेटिक्स होता है MA, फिजिक्स होता है PH, बायोटेक्नोलॉजी BT, केमिस्ट्री CY, जियोलॉजी GG, मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स MS। तो ये डिफरेंट एग्जाम होते हैं जैम के, इसका नाम इस तरह से लिखा जाएगा, जैम PH मतलब जैम फिजिक्स पेपर। सबकी अपनी अपनी एलिजिबिलिटी है, फिजिक्स वाले के लिए अलग एलिजिबिलिटी है, केमिस्ट्री वाले के लिए अलग एलिजिबिलिटी है, और उससे अलग अलग प्रोग्राम में एडमिशन होते हैं, मेनली होते हैं IISc में और फिर IIT में। लेकिन इसी बेस पर NIT भी काउंसलिंग करवाता है, NIT में भी MSc में एडमिशन होते हैं। तो NIT में अगर इसी बेस पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ccmn.in वेबसाइट पर जाना होगा, यहाँ आपको रजिस्टर करना होगा। ये मैंने पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट को दिखाया। अब फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर देख लेते हैं जो 2019 के लिए आ चुकी है। चलिए, ये हमारे सामने 2019 की डेट्स हैं, इस पर एक बार हम गौर से नजर डालते हैं। अगर आप इस बार एप्लीकेशन अप्लाई किए होंगे जैम में, आपका कुछ रैंक आया होगा, IIT टॉप रैंक वाले को मिलता है, तो बाद बाकी में आप NIT में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, CCMN वेबसाइट जो आ गई थी 19 मार्च 2019 को आ गई थी, उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो जाएगा जैम क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए, जिसने जैम क्वालिफाई किया है, वो 25 अप्रैल 2019 से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तीसरे नंबर में देखिए, आपको 2000 पेमेंट करना पड़ेगा थ्रू ICICI बैंक के इजी पे से। इजी पे को एक प्रोसेस होता है ICICI बैंक के, उससे पेमेंट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज है, ये नॉन रिफंडेबल होगा। यहाँ देखिए, स्टार्ट डेट ऑफ पेमेंट 26 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग की बारी आती है, आप कौन कौन सा NIT सेलेक्ट करना चाहते हैं, किस में कौन सा कोर्स अवेलेबल है, MSc या इंटीग्रेटेड MSc होगा, किसी में MSc टेक होगा, MSc टेक भी होता है, MSc टेक, और कई कोर्स जो होते हैं MSc टेक के वो 3 साल के होते हैं, कई जगह 2 साल के भी होते हैं, तो मेनली 2 ही साल का MSc होता है, कई ऐसे कोर्सेज हैं जो 3 साल के भी होते हैं, और आपको इंटीग्रेटेड PhD मिलेगा। तो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया, स्टार्ट ऑफ चॉइस फिलिंग, वो 30 अप्रैल 2019 को शुरू हो जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए लास्ट डेट 23 मई 2019 रहेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए जो स्टार्ट हुई थी डेट, आप यहां देखें 26 अप्रैल को, वो लास्ट हो जाएगी कब, 24 मई को, तो लगभग 1 महीने का समय आपके पास रहेगा। लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग देखें, ये 31 मई 2019 को लास्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक चॉइस लॉक हो जाएगी 31 मई 2019 को ही। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ री अपलोडिंग डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो आपने गलत अपलोड कर दिए होंगे, हो सकता है किसी ने ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया जो मान ही नहीं होगा इसके पैरामीटर पर, तो फिर आपको कहेगा कि डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट है, इसको रीअपलोड कीजिए एक दूसरा डॉक्यूमेंट, तो वो 1 जून से 3 जून तक चलेगा। फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट अब स्टार्ट हो जाएगी 10वें नंबर से, ये 7 जून 2019 को फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट आ जाएगी। उसके बाद 11th नंबर में आप देखें, अब आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी, जिसका नाम इन्होंने दिया CPF, काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि 10,000 है OBC EWS जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल को इन्होंने OC लिखा है,
और फिर SC ST कैंडिडेट्स के लिए 7500 है। वहीं आपको सेलेक्ट करना होगा पेमेंट करने के बाद एक्सेप्ट एंड फ्रीज और एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। तो मैक्सिमम बच्चे आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड लिखते हैं ताकि उनको अपग्रेड होकर और भी ऊपर की NIT मिल जाए जो उन्होंने अपने चॉइस फिल्म में ऊपर रखा होगा। तो ये जो पेमेंट की प्रक्रिया होगी 7 जून से 12 जून तक चलेगी। उसके बाद सेकेंड राउंड का डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हो जाएगा, वो 18 जून को होगा। अब सेकेंड राउंड में जिसको पहली बार सीट मिली होगी, सेकेंड राउंड में फ्रेश अलॉटमेंट कैंडिडेट्स को वापस वही काम करना होगा, 10,000।